सो वेलकम गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐश के डैड कौन है। तो हमने पहले भी बात की है पोकेमोन पे, जैसे ऐश किससे शादी करेगा वगैरह वगैरह। तो आज हम जानेंगे ऐश के डैड के बारे में। तो ऐश के डैड, हमें पता चलता है कि वो भी एक ट्रेनर थे। तो अगर हम देखेंगे कि प्रोफेसर ओक को, क्योंकि प्रोफेसर ओक ऐश की मॉम के साथ बहुत बार रहते हैं, तो ये आंसर बहुत गलत है, क्योंकि गैरी है प्रोफेसर ओक का पोता रहता है, यानी कि वो बहुत बड़े हैं। और साथ ही साथ हमें एक फ़ोटो में दिखाया गया है कि ऐश की मॉम प्रोफेसर ओक से बहुत छोटी रहती है। तो अगर आप बोलोगे कि टीम रॉकेट का बॉस, तो गार्डियन सिटी के एक एपिसोड में ऐश की मॉम उसे फ़ोन कर बताती है कि ऐश के डैड को वहाँ पे पहुँचने के लिए 4 दिन लगे थे। मतलब वो बहुत बड़ा लूज़र था, और टीम रॉकेट का बॉस लूज़र नहीं रहता, इसलिए टीम रॉकेट का बॉस भी कैंसिल हो रहा है हमारे लिस्ट से। तो गाइस, फिर कौन रहेगा ऐश का डैड? तो जैसे ही टीम रॉक मतलब बताया था कि ऐश का डैड एक बहुत बड़ा लूज़र टाइप था, और हमें एक पता है एक सीरीज़ जिसमें उस ट्रेनर को 4 दिन लगते हैं, और वो है रेड। रेड को हम अगर बराबर देखेंगे पोकेमोन ओरिजिन्स, तो उसमें पता चलता है कि उसे 4 दिन लगते हैं मेरिडियन सिटी को पहुँचने में। और साथ ही साथ रेड का चेहरा भी ऐश जैसा दिखता है। और साथ ही साथ अगर आप लेडीज़ का आइकॉन चूज करेंगे गेम में, तो ऐसा आता है और जो कि ऐश के मॉम के जैसा ही दिखता है। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे कि ऐश अलग अलग सीज़न में अलग अलग कपड़े पहनता है, पर जब जब उसके जब वो आता है सबसे आखिर में, और साथ ही साथ फिर रीजन जाता है, तब वो ऐसे कपड़े पहनता है जो जो रेड के कपड़ों के समान रहते हैं। इसलिए जब वो जाते रहता है, तब उसकी मॉम उसे कहती है, तुम अपने बाप पे गए हो, ये बात है, वो कहती है। मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि कॉपीराइट हो जाएगा। तो क्योंकि ऐश के कपड़े रेड जैसे लगते हैं, इसलिए वो उसको डैड की तरह बोलती है। मतलब उसकी मॉम का नाम लीफ है और उसके डैड का नाम रेड है, और लीफ और फायर का मिलन हो गया तो राख बन जाता है, इसलिए ऐश का नाम ऐश रखा है। और साथ ही साथ मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या गैरी के पास मेगा स्टोन था या नहीं। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।